हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम लेकर आए आप सभी के लिए एक और प्यारा सा नया ब्लॉग। राधे राधे करो, तो सुबह की राधे शुरुआत और राधे ये लड्डू के साथ। लड्डू, राधे 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 राधे, झूमटिया पर जाए तो झूमटिया। झमटाओ ये तो। बाय बाय लड्डू, बाय बाय कर दो। और इधर सोनिया उठी है, सोनिया उठी है, सोनिया उठी है। एक मिनट, शक्ल दिखाना आपकी। सोनिया गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तबीयत अच्छी है? बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है शरीर में, चक्कर आ रहे हैं उठते ही। और लड्डूडा गमगुड़ा, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश, ले आ जाओ यार, किसी कर दो लाओ। सुबह सुबह ही बस टीवी चलाओ इसके, देख लो रिमोट उठा लिया इसने और बोल रही है भाई टीवी चलाओ टीवी चलाओ टीवी चलाओ इसके। सुबह सुबह टीवी चलाओ, वह पड़ जाओगी। तो गाइस अभी ये देख सकते हो चाय पी रहे हैं और लड्डू आज परेशान कर रही है, इसके पता नहीं क्या हो रहा है। और छोटू बाबा चाय पी रहा है, छोटू बाबा मैं चाय लेके आई हूँ, अभी मेरी चाय बाकी है। और देख रहे हैं मूवी, दो कप पी कर मुझे, एक लड्डू की एक मारी। तो अभी हम पी रहे हैं चाय, अभी बज रहे हैं शाम के 5। छोटू कहीं गिरे थे? नहीं नहीं खा रहे तो गिरे थे। अरे लड्डू उड़ा चुका है, देख सकते हो लड्डू को। धनराज भाई चला रहा है फोन, खाएं चले छुट्टी। अच्छा कोई बात नहीं, हो तो हम लोग आज ना धो के फ्री हो गए जल्दी, क्योंकि हम लोगों ने गीजर लगवा लिया है, तो नाले में गर्म पानी करने की ये जरूरत नहीं है हमें, इसलिए ना लेते हैं फट से, जल्दी से ना लेते हैं वरना दिक्कत आती थी पहले। दिक्कत आती है कि गर्म पानी कौन करेगा, कौन लेके आएगा वहां से, ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात तो कौन, फिर उसको लेके जाओ गर्म पानी को, फिर बाल्टी के अंदर डालो, फिर उसको ठंडा करो। बहुत दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। बाहर मारो बाहर पड़ी छोरी, देखो लड्डू छोड़ छोड़ ये छोड़ दे। हेलो हेलो, इधर हाय कर दे एक बार। लड्डू किधर है? पकड़ूंगा इसको। लड्डू लड्डू आजा, पढ़ रही तू और अब पढ़ाई कर रही है। ठीक पढ़ो 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 बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ लिख के नाम रोशन करो। तो बने रहो व्लॉग के साथ। तो कल के व्लॉग्स में आप लोगों के कमेंट्स देख के हमें बहुत अच्छा लगा, कि जो फर्स्ट व्लॉग में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे लोगों के, तो जो बात हम लोगों ने क्लियर की उसके बाद में ज़्यादा कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं आए। वो दो चार करने वाले हैं, वो तो करते रहेंगे। तो आज हम कुछ जो अच्छे कमेंट्स करने वाले हैं उनका नाम इस ब्लॉग में लेंगे, तो ब्लॉग के साथ बने रहो, बस बता ही रहे। सोनिया नहाने गई हुई है तो मैं अकेला खुद ही बता देता हूँ, अगर ठीक मैं ही बताऊँगा, अब तो सोनिया नहीं आएगी। तो पहला सबसे बेस्ट कमेंट है वो है विष्णु विष्णु जाट, जो भाई हमेशा बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो कल के ब्लॉग में इनका कमेंट था कि भगवान जी सोनिया दी और दीपक भैया की जोड़ी सलामत रखे, आपको दुनिया की हर खुशी मिले, आप हमेशा खुश रहे। तो भाई को दिल से धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोग हम लोगों के लिए इतना सोचते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और काफ़ी टाइम से मतलब एक कमेंट आता था एक दीदी का रीना सेन करके, कि वो कि मेरा नाम ब्लॉग में लो मेरा नाम ब्लॉग में लो, तो हम लोग
मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि जब भी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे या किसी दिन होगा तो हम ज़रूर उनका नाम लेंगे। तो रीना दीदी थैंक यू, रीना सेन, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। और उसके बाद सब अच्छा कमेंट है हमारे एक भैया है, क्या नाम है, क्या नाम है, देसी छोरा ऑफिशियल वीडियो, तो ये भाई भी हमेशा बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, तो भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक भैया है उनका नाम है कालिम शेख, तो ये भैया भी बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं, और इनका कमेंट था कल के में कि ऐसी चीज़ का क्यों झूठा अफवाह फैलाएंगे, जिस पर बीतती है वही जानता है। सही बात है, जिन पे कुछ बात होती है, जिनके साथ वो होता है, तो वही आदमी जानता है। तो भाई ने सही बात कही है बिल्कुल। एक और कमेंट था कल के ब्लॉग में संगीता मेघवाल, तो ये भी मतलब कमेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं हर बार। भाई आप सोनिया दी का ख्याल रखना प्लीज़, अब बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं उनका, उनको अब देखो इसमें कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में, क्या हो जाए कब हो जाए किसी को पता नहीं है। तो पीयूष ऑफिशियल ये भाई भी बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू। एक दीदी है मंजू जाखर, तो ये भी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, इनका कल के व्लॉग में कमेंट था कि कोई ना ध्यान मत दो फालतू बातों पर, अभी तो सोनिया का ख्याल रखो, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, आप टेंशन मत लो, आपकी जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे, नाइस ब्लॉग्स एंड नाइस फैमिली, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद में कमेंट है काना मीणा, गांव में कहावत है हाथी के पीछे कुत्ते, ऐसे ही भोंकते हैं, मस्त रहो और आगे बढ़ो, और सोनिया भाभी का ध्यान रखो। तो भाई बिल्कुल। और हाँ कल के व्लॉग में हम लोगों ने पूछा था कि हम लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मतलब एक भैया का कमेंट आया था कि दहेज के खिलाफ एक वीडियो बनाओ, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे या आज या कल में कि हम लोग एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करके दहेज के खिलाफ एक वीडियो बना सके, अच्छी सी स्टोरी। अब उसके लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम बुलाते हैं, आरती भाभी आकाश भाई, इन सबको बुलाना पड़ेगा शायद, अगर कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं। तो एक कमेंट और आया है राकेश कुमार जांगीड, तो मतलब इनके नाम से एक दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है क्या, एक मिनट, उनका नाम है कविता जांगीड, जिला दोसा गांव, अब गांव का तो समझ में नहीं आया, तो इन्होंने भी कमेंट किया, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल के व्लॉग में जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले थे उसमें एक दीदी है वैशाली राजोरा, तो इनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारे व्लॉग्स देखने हो तो आइए, नहीं देखने तो आपका टाइम यहाँ वेस्ट मत कीजिए, और हमें ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमें ज्ञान नहीं दे सकते हो। पहली बात तो यह है कि गलत कमेंट करके आदमी को कोई ज्ञान नहीं मिलता, अगर आप उसको अच्छी तरीके से अगर कोई बात कहो तो वो अच्छी बात है, लेकिन लोगों से जलना ये कोई ज्ञान नहीं होता है। तो वैशाली जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कल से हमारा ब्लॉग मत देखिए, अगर आज आज ब्लॉग में देख लेना, आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप जैसे बदतमीज़ लोगों की हमारे ब्लॉग में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना हमें ऐसे बदतमीज़ लोगों से व्यूज़ चाहिए। तो मैम आपका ज्ञान आपके पास रखिए, अपनी फैमिली को दीजिए, अपने आप को खुद को दीजिए, कि दूसरों से जलना छोड़ दे, पहली बात तो यह है, और अपना ज्ञान अपने पास रखें।